आप आंधी को नहीं देख सकते कि आंधी फिर यीशु फिर आंधी दोनों करे, मैं इन दोनों को क्यों नहीं कर लूं ब्रदर। मैं अपनी दृष्टि उस पर लगाए रखूंगा लेकिन मैं अपनी समस्या को भी देखते रहूंगा। मुझे दोनों को देखना पसंद है, माफ करना आप डूब जाएंगे अगर आप दोनों को देखते रहेंगे, क्योंकि इस तरह से विश्वास काम नहीं करता। विश्वास तो केवल इस एक बात पर गौर करने से आता है, वो एक चीज, बस एक ही चीज आपको चाहिए और वो परमेश्वर का वचन है। चिंता ना करें कि आज आप कौन हैं, बस अपेक्षा करें कि वो आप जैसे व्यक्ति को कैसा व्यक्ति बनाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैंने अपने आप को उससे सौंपा है और उसने मुझ में काम किया, मुझे चोखा बनाया और जानते मुझ में से सारी गंदगी दूर की, मुझ में काम किया और अभी भी काम कर रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये बेहतर और बेहतर, हर समय बेहतर हो रहा है। आमेन। मैं 30 साल पहले जैसे था उससे बहुत बेहतर हूं और 10 साल बाद मैं और भी बेहतर हो जाऊंगा। हाँ, परमेश्वर ऐसा है, इसलिए आप जैसे हैं उसके बारे में चिंता ना करें। शायद आप कमजोर हो और अविश्वास वाले व्यक्ति हो, शायद हो सकता है कि आप परमेश्वर के साथ में पवित्र तरीके से नहीं चल रहे हो, शायद आप असफल रहे हो, आपने परमेश्वर को असफल किया हो और परमेश्वर को आपने धोखा दिया हो। लोग इसके बारे में बहुत चिंता करते हैं, मैं इस योग्य नहीं, मैं इतना अच्छा नहीं, मैं भला नहीं। इसकी परवाह न करें, परमेश्वर आप में काम कर रहा है।
जब वो काम पूरा करेगा तो आप देखिए क्या होगा, आप अद्भुत दिखेंगे। क्योंकि नाव में सभी लोग जो थे सब एक ही नाव में बैठे थे, वो सब सिद्ध नहीं थे, लोग जिनमें विश्वास नहीं था और डर के मारे चिल्ला रहे थे, वो ऐसे ही मनुष्य थे बिल्कुल आज हमारे जैसे ही, कोई अलग नहीं। ठीक है, तो सब डर के मारे चिल्ला रहे थे। और फिर चलिए आगे पढ़ते हैं वचन 27, और तभी यीशु ने उनसे कहा, कहा धाड़स बांधो मैं हूं, तुम डरो मत। ठीक है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। तो मेरे लिए ये तो अद्भुत प्रत्युत्तर है, क्या आप ये नहीं कहेंगे? अब यदि आप नाव में होते और समुन्द्र में तूफान आया है, हवा चल रही है, आंधी चल रही है, सब कुछ खतरनाक दिख रहा है आधी रात के समय में, और यहां पर यहां यीशु पानी पर चलते हुए आपके पास आता है, ये तो और भी बुरा हो गया, वो तो और डरा रहा है। लेकिन इस मनुष्य का जो प्रत्युत्तर है वो तो बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि उसने कहा प्रभु यदि तू है तो मुझे आने की आज्ञा दे, मैं भी आकर चलूंगा। क्या आप कभी इस तरह के प्रत्युत्तर के बारे में सोचेंगे? ये सोचेंगे मेरे प्रभु ये पानी पर चल रहा है तो मेरे बारे में क्या, प्रभु मैं आने के लिए तैयार हूं, मेरे बारे में क्या, यदि ये सच में तू है तो मुझे बुला और मैं भी आऊंगा। ये तो सच में बहुत ही अद्भुत अद्भुत प्रतिक्रिया, जहां तक कि मैं सोचता हूं। और मैं ये भी बता सकता हूं कि बाकी 11 ने क्या कहा होगा, क्योंकि मैं 11 के बीच में पैदा और बड़ा हुआ हूं। मैं जानता हूं क्या कहा होगा, उन्होंने कहा होगा चुप बैठो पतरस, क्या तुम मरना चाहते हो? क्या तुमने पहले ही घर में बता दिया है कि आज रात तुम वापस नहीं आने वाले हो? क्या मरने के लिए तैयार होकर आए हो? तुम्हें क्या समस्या हर समय अपना सिर आगे बढ़ाते जाते हो और कुछ असाधारण सा काम करना चाहती हो? तुम हमें मार कर खुद मरना चाहते हो? क्यों ना तुम चुप रहकर यहां पर बैठ जाते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? वो चल रहा है, वो ही तो हमें डरा रहा है, हमें पता नहीं वो कितना दूर तक चल सकता है, और अब तुम चलना चाहते हो। देखिए सब लोग जानते हैं संसार ऐसा ही है, वो मदद नहीं करेगा, वो कहेगा कि बस चुप बैठो, बैठे रहो, ये मत सोचो, ये करोगे ये मत सोचना। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम्हें लगता है तुम यीशु हो? तुम्हें लगता है तुम ये कर सकते हो? यही तो बात उन्होंने मुझसे कही थी काफी समय तक, मैंने इसे काफी सुन लिया। लेकिन पतरस ने कहा नहीं मैं जाऊंगा। क्या आपने गौर किया कि 11 में से कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं था? अगर वो अपनी इच्छा से ये कहते कि प्रभु पतरस ही क्यों, मैं भी चलना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता सभी 11 चल सकते थे? सब चल सकते थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया, सब वहां पर बैठे थे। पतरस चला, नाव से बाहर आकर वो चलने लगा। अब यही बात है पतरस का अद्भुत प्रत्युत्तर, कि उसने कहा प्रभु ये तू है तो मुझे आज्ञा दे, मैं भी आऊंगा। लेकिन इससे भी अद्भुत बात तो ये है कि यीशु ने उसे अद्भुत तरीके से बुलाया, यीशु ने उसकी बात सुनी और कहा आ। शायद आप सोचे कि वो कहेगा तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो पतरस, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, स्वर्ग से नीचे आया हूं और मैं पानी पर चल रहा हूं, तुम्हें पहले ही झील में इतनी परेशानी हो रही है, तुम उस नाव से बाहर मत आना, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, केवल मैं ही इसे कर सकता हूं। ये स्टंट किया जाता है एक्सपर्ट के द्वारा, हम सलाह देते हैं कि घर में इसकी कोशिश न करें। कहां घर में कोशिश न करना, पानी पर चलने की कोशिश न करना, मैं इसमें माहिर हूं, मैं इसे कर सकता हूं, तुम इसे नहीं कर सकते। वो कह सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा आओ। अब इस आओ से मैं हजारों बात समझ सकता हूं, जानते हैं जब मैं इस आओ शब्द को देखता हूं ये मेरे लिए बहुत ही अद्भुत है। देखिए प्रभु हमें कभी नीचे नहीं रखना चाहता है, वो हमेशा हमें अगले स्तर पर ले जाना चाहता है। क्या आप सुन रहे हैं? परमेश्वर हमेशा अगले स्तर पर उठाने की हमें कोशिश करता है, ऐसा स्तर जो हमने कभी नहीं देखा है और विश्वास में उसे अब तक नहीं जाना है। वो आपको प्रेरणा देगा और आपको ऐसे कदम उठाने के लिए कहेगा जो आपने पहले कभी नहीं उठाए, कि आप उस मार्ग में चले जिसमें पहले कभी नहीं चले और महान काम करे। बाइबल इसी के बारे में कहती है, जो प्रभु को जानते हैं वो महान काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप समानता में बनाए गए हैं, और इसीलिए जब से आदम ने पाप किया और मनुष्य जाति पाप और शर्म में पूरी तरह से डुबोई गई, उस समय से आगे परमेश्वर मनुष्य को नीचे नहीं रखना चाहता। परमेश्वर मनुष्य को नीचे नहीं रखना चाहता है, प्रभु हमेशा मनुष्य को उठाना चाहता, और इसलिए आदम के चले जाने के बाद परमेश्वर ने जाकर अब्राहम को चुना, ऐसा व्यक्ति जो उससे पूरी तरह से दूर था, जो जीवित प्रभु के बारे में कुछ नहीं जानता था, उसे चुना और उसने उससे कहा आओ। वही शब्द है आओ। उसने पूछा कहा, अपने माता पिता के घर को छोड़ो, अपने देश को छोड़ो, सब कुछ छोड़कर आओ।
जब भी वो कहता है आओ मेरे भाई, तो अच्छा है कि आप पूरी तरह से तैयार हो जाएं। आज मैं आपसे कहूं कि यीशु की आवाज आज बहुत से दिल पर खटखटा रही है। अगर आपने अपना जीवन यीशु को नहीं दिया तो मैं आपसे कहूं दोस्तों, देखो द्वार पर खड़ा खटखटाता है और कहता है आओ। उसने एक बार कहा, हे सब बोझ से दबे हुए थके लोगों मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। हे सब बोझ से दबे हुए और थके लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, उसने कहा। जब ऐसे पुकारता है तो अनदेखा ना करें। जब इस तरह से प्रभु से बुलाहट महसूस करे तो इसे अनदेखा ना करें। मैंने कई साल पहले सेवकाई की बुलाहट महसूस की। प्रभु का धन्यवाद कि मैंने वो कदम उठाया, मेरे लिए वो पानी पर चलने जैसे था। विश्वास कीजिए, ये तो उससे भी बड़ा था। जब प्रभु ने कहा आ, तो मैंने कहा प्रभु हवा चल रही है, प्रभु समुद्र में लहरें उठी हैं, ये लहरें तो बहुत ही बड़ी है, प्रभु इसमें बहुत से लोग डूब चुके हैं और बहुत से लोग अभी इसमें डूब रहे हैं, मैं निश्चय इसमें कदम नहीं बढ़ाना चाहता। लेकिन उसने कहा आओ, और मेरे अंदर से किसी ने कहा यदि तुम चाहो तो इसके बिना जो कुछ भी तुम कर पाओगे उससे तुम बेहतर हो जाओगे। किसी ने मेरे अंदर से कहा कि तुम जाओ और तुम्हारे जाने से तुम बदल जाओगे। देखिए, और आदम के पतन के बाद से परमेश्वर लोगों को बुला रहा है कि वो आए। उसने अब्राहम से कहा कि आओ, अपने माता पिता और अपने देश को छोड़ो और आओ। आओ किस लिए? कि ये जो कुछ भी है उसे खो दो और कुछ न पाओ। नहीं, उसने कहा कि आओ और मैं तुम्हें एक महान देश बनाऊंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, जो तुझे आशीष दे उन्हें आशीष दूंगा। और उसने कहा तुझ में पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। वो क्या कर रहा है? वो पृथ्वी पर के सामान्य मनुष्य को ले रहा है जो पृथ्वी के कोने में जी रहा था, जीवित परमेश्वर को नहीं जानता था, और वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था उस स्तर पर जो उसने पहले कभी नहीं देखा था और प्रभु की मदद के बिना कभी नहीं देखेगा। वो उसे उस जगह से बाहर बुला रहा था, पाप और शर्म से, उस डर और भय से, उसे बाहर बुला रहा था शून्य से और परमेश्वर को न जानने के अंधकार से। वो उसको बुलाता है कि उस मनुष्य को महान और अद्भुत बना दे, कि कल को पूरा संसार अब्राहम और उसके विश्वास के बारे में चर्चा करे। क्या ये अद्भुत नहीं? ये वही प्रभु शारीरिक रूप में पतरस के सामने खड़े रहता और कहता है आओ। क्यों आओ? क्योंकि वो पतरस को बताना चाह रहा था, पतरस तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डर के मारे रोने की जरूरत नहीं, तुम्हें जीवन भर इस तरह के डर और दहशत में जीने की जरूरत नहीं, तुम्हें अलग तरह से काम करना चाहिए, तुम्हें महान काम करना चाहिए, तुम्हें चमत्कार करने वाला होना है, तुम्हें ऐसा मनुष्य होना है जो चमत्कारों का अनुभव करे और चमत्कार करते जाए। मैं तुम्हें कुछ बनाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने क्या हो सकते, मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर क्या कर सकता है यदि उस पर भरोसा करे। मैं चाहता हूँ तुम विश्वास करो इन बात पर, तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि जब प्रभु पर विश्वास करो तो कितने महान काम कर सकते हो, इसलिए आओ। कुछ भी हो, पत्रस हालांकि उसने इतना अच्छा प्रचार नहीं सुना था अपने जीवन में, लेकिन कुछ भी हो यीशु की इस बात को उसने सुना। नहीं तो फिर वो अचानक क्यों इस तरह से कहता कि प्रभु यदि तू है तो मुझे आने के लिए कह? क्योंकि वो यीशु को सुन रहा था। यीशु दूसरे प्रचारकों के जैसे नहीं था। दूसरे प्रचारक कहते, तुम्हें लगता तुम परमेश्वर हो? तुम्हें लगता है सब कुछ कर दोगे? बस चुप बैठो और यहां पर यही कहते। लेकिन वो तो यीशु के सेवकाई में कुछ समय से था, और यीशु उससे ये कह रहा था, अंजीर के पेड़ को श्राप देने के बाद कहा, केवल मैं ही इसे नहीं करता, तुम इस पहाड़ से कह सकते हो और ये हो जाएगा। वो इस तरह की बात सुन रहा था, यीशु से सुन रहा था कि तुम इसे कर सकते हो। यीशु को ये कहते हुए सुन रहा था, जो भी मैं करता हूं वो तुम कर सकते हो और इससे भी महान काम तुम करोगे। वो ये सुन रहा था और इसीलिए जब उसे पानी पर चलते हुए देखा तो उसने कहा, प्रभु तू है तो मुझे आने के लिए कहना, मैं भी आकर पानी पर तेरे साथ चलूंगा। यही तो बात थी, शिक्षा उसमें चली गई थी कि ये मनुष्य जो कुछ भी कर रहा था मनुष्य के रूप में ये कर रहा है और मुझसे कह रहा है कि मनुष्य ये कर सकता है और मैं इसे करना चाहता हूं। जब आप मसीह में आते हैं तो एक महान बात आपके साथ में होती है कि आप अपने जीवन के लिए प्रेरणा पाते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा पाते हैं, विजय पाने के लिए प्रेरणा पाते हैं, प्रेरणा पाते हैं कि आप अपने बड़े विश्वास के कदम को उठाते जाएं, कि बस आगे बढ़ते चले जाएं हर एक तूफान और आंधी के बीच भी, जीवन के हर एक मुश्किलों में, और इस संसार में जीतने के लिए प्रेरणा पाते हैं। इस दुष्ट संसार में, असफलता के संसार में, वो प्रेरणा देगा कि आप विजय पाए, विजय पाते जाएं। वो कहता है आओ। यही तो हर एक पिता का दिल है, वो देखना चाहता है कि जो वो करते हैं उसका बेटा वही कर रहा है। ठीक है, तो जब बच्चा जन्म लेता है तो फिर तो बड़ी मुश्किल से उसके एक साल की उम्र तक राह देखते कि एक साल की उम्र में उसे चलना है। ठीक है, और इसलिए बेटा जब खड़े होता है, चलने की कोशिश करता, गिरता है, तो आप जाकर ये नहीं कहते
बेटा मुझे नहीं लगता कि चलना तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुमने कोशिश कर ली और दो तीन बार गिर चुके हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा पैर टूट जाए, इसलिए कोने में जाकर बैठो। नहीं, कोई पिता इस तरह से नहीं कहता है। चाहे वो बच्चा 10 बार भी गिर जाए तो भी पिता चाहता है कि वो उठे और चले, क्योंकि वो जानता है कि वो तो किसी महान बात के लिए नियुक्त है। वो उससे कहेगा उठो और चलो, चलो फिर कोशिश करो, गिर गए तो उठो और चलो। परमेश्वर भी ऐसा ही है। जब उसे स्कूल में डालते और पढ़ाई में उसे बहुत मुश्किल होती तो ये नहीं कहते, बेटा ये बहुत मुश्किल हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये सब तुम्हारे लिए है, तुम नर्सरी स्कूल के लायक भी नहीं हो, तो हम तुम्हें नर्सरी स्कूल से निकालते हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगे। नहीं नहीं, हाई स्कूल से उसे नहीं निकालते क्योंकि वो अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहा है। आप उन्हें ट्यूशन के लिए हर जगह लेकर जाते हैं, यहां और वहां, और बहुत सा पैसा खर्च करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपके जैसे बनाए और यहां तक कि आपसे भी बेहतर बनाए। ये आनंद है कि उन्हें ऊपर आते देखे, ऊपर आते हुए देखें, आपके जैसे और आपसे भी बेहतर। हम जो बुरे पिता है, हम जानते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी चीजें कैसे दे, तो हमारा स्वर्गीय पिता इससे बढ़कर क्यों न देगा। ये परमेश्वर पिता का दिल है। तो परमेश्वर कहता है कि आओ, तो वो कोई नुकसान नहीं करने वाला है। वो कहता है आओ क्योंकि तुम इसे नहीं कर पाओगे, आओ क्योंकि तुम इसमें पहले से भी महान हो जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा, मैं तुम्हें आकार दूंगा और सच में तुम्हें कुछ अद्भुत बनाऊंगा, आओ। देखिए, इसलिए यीशु ने कहा आओ। पिता का दिल यहां प्रकट हुआ है। और फिर गौर कीजिए, तब तक कोई चमत्कार नहीं हुए जब तक पतरस हिम्मत नहीं की कि बाहर आए और वो न किया जो यीशु ने कहा। जब तक उसने वो नहीं किया जो यीशु ने कहा, चमत्कार नहीं हुआ, पानी पर चलने का चमत्कार नहीं हुआ। उसने बैठकर ये नहीं कहा, खैर इसने कहा कि आओ, लेकिन मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपने पैरों में कुछ महसूस न कर लूं, वो आकर मुझे गुदगुदी न कर ले, और तब मैं जानूंगा कि हाँ ये समय है कि मैं आगे जाऊं। नहीं उसने बैठकर ये नहीं कहा, खैर मैंने सुना कि उसने कहा कि आ, लेकिन मैं महिमा के बादल की राह देख रहा हूं कि वो आकर मुझे नाव पर से उठाए और लहरों पर से मुझे उस पार ले जाए और मुझे पानी के ऊपर तैरने दे। नहीं, अगर ऐसा करता तो नाव में बैठा होता, पैर में खारिश करते रहता, जानते हैं, महसूसीकरण हो या ना हो, महसूसीकरण में विश्वास करता हूं महसूसीकरण में कोई समस्या नहीं महसूसीकरण हो या ना हो, जब वो कहता है कि आओ तो कई बार महसूसीकरण होता है, तो कई बार महसूसीकरण नहीं होता। लेकिन जब वो कहता है आओ, तो आप जा सकते हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि ये शब्द है आ, तो ये छोटा शब्द आपको अपनी समस्याओं के ऊपर में चला सकता है, पानी पर चला सकता है। देखिए, तो पतरस खड़ा हुआ और वो चलने लगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं वचन 30 में, पर हवा को देखकर वो डर गया, वो डर गया। उसे इन चीजों को देखना नहीं चाहिए था। क्या पतरस से यीशु ने इस तरह से कहा, पतरस आना चाहते हो, ठीक है तुम्हारा स्वागत है, लेकिन सावधान रहना, हवा 50 मील से ज्यादा रफ्तार से नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार पर पानी पर नहीं चलोगे ये बड़ा अजीब होता, अगर पानी पर चलना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हवा वहां पर 5 मील की रफ्तार से चल रही है, 500 मील की रफ्तार से, क्योंकि अगर पानी पर चल रहे तो आप पहले से ही चमत्कार कर रहे हैं, विश्वास से कर रहे। कोई मनुष्य पानी पर नहीं चल सकता है। यदि पानी पर चल रहे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हवा कितनी तेज चल रही है या कितनी खतरनाक बह रही है। लेकिन पतरस देखने लगा कि वो जो हवा तेज चल रही है उसे वहां पर नहीं देखना चाहिए था, उसे तो बस यीशु की ओर देखना था, और वो कह रहा था कि आओ। देखिए, जब विश्वास के जीवन की बात आती है तो बस एक ही चीज चाहिए, बस एक ही चीज को देखना है, उसी पर गौर करते जाना है। हम मल्टीटास्किंग के संसार में जीते हैं, ठीक है, लोग मल्टीटास्किंग में घमंड करते हैं। मैंने इन दिनों में जवानों को देखा है, उनके सिर पर हेडफोन लगा है और वो पढ़ाई भी करते हैं। मैंने कहा क्या, वो कहते हैं आप इसे समझने के लिए बूढ़े हो गए, हम मल्टीटास्किंग करते हैं। लेकिन अगर आप नाव में हैं और ऐसा लग रहा है कि नाव डूब जाएंगी, तूफान आया है, लहरें उठ रही हैं और हर तरह की समस्या है, अगर आप मल्टीटास्किंग करें तो माफ करना, आप डूब जाएंगे विश्वास के जीवन में मल्टीटास्किंग काम नहीं करती है। मल्टीटास्किंग शायद जीवन में दूसरे कामों में काम करती होगी, लेकिन विश्वास में नहीं। यीशु को देखने के बाद में आप आंधी को नहीं देख सकते,
आप आंधी को नहीं देख सकते कि आंधी फिर यीशु, यीशु फिर आंधी, दोनों करे, मैं इन दोनों को क्यों नहीं कर लूं ब्रदर? मैं अपनी दृष्टि उस पर लगाए रखूंगा, लेकिन मैं अपनी समस्या को भी देखते रहूंगा। मुझे दोनों को देखना पसंद है। माफ करना, आप डूब जाएंगे अगर आप दोनों को देखते रहेंगे, क्योंकि इस तरह से विश्वास काम नहीं करता। विश्वास तो केवल इस एक बात पर गौर करने से आता है, वो एक चीज, बस एक ही चीज आपको चाहिए, और वो परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वचन है जिसने सब कुछ बनाया, जिसने सब कुछ स्थिर रखा है, जिसके पास सारी चीजों पर सामर्थ्य है, जो सबसे बड़ा है। वचन आपको बस यही चाहिए। तो वो हवा की ओर ध्यान देने लगा। एक चित होने के बजाय वो सोचने लगा, खैर लगता है कि आंधी अभी ज्यादा चल रही है पहले से, ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बुरी हो गई। जानते हैं, इसी तरह से विश्वास के जीवन में होता है, जब आप किसी बात के लिए विश्वास करते हैं और लगता है सब उल्टा हो रहा है। ऐसा लगता है सब उल्टा है, कल तो ये बहुत अच्छा था लेकिन जब से मैंने विश्वास किया, प्रार्थना की, तो ये बहुत ही बुरा होती जा रहा है। ये इसी तरह से दिखता है, जो दिखता है वैसे नहीं होता, लेकिन जो प्रभु ने कहा वही होता है। मैं यही कह रहा हूं, वचन जो उसके मुंह से निकलता है वो आपने सामना की हुई सारी परिस्थितियों से बहुत सामर्थी है। देखिए, वो पहले से ही पानी पर चल रहा था, चमत्कार का अनुभव कर रहा था, और शैतान आकर उससे कहता है, ओ जब हवा ऐसे चलती है तो फिर तुम पानी पर नहीं चल सकते हो। देखिए, शैतान तो मूर्ख है, और उसकी मूर्खता जो है वो तो विश्वासी लोगों को मूर्ख बनाने के लिए काफी है। वो सच में यहां पर पत्रस से कह रहा था, जब इस तरह से तेज हवा चलती है तो तुम इस तरह से नहीं चल सकते हो, जरा सोचो। इसने काम किया, पत्रस ने सोचा, हाँ अगर इतनी तेज हवा है और ये तूफान है तो पानी पर नहीं चल सकते हैं। इस बेवकूफ ने नहीं सोचा, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आंधी चले, क्योंकि मैं पहले पानी पर चल रहा हूं। अगर नाव में बैठे हुए आदमी से कहे कि आंधी ज्यादा चल रही है, तुम डूब सकते हो, तो शायद उसका कुछ अर्थ बने, लेकिन अगर पानी पर चलने वाले से कहे कि हवा चल रही है, तो ये बेकार है। इसने काम किया, शैतान लोगों को मूर्ख बनाता है। और मैं सेवकाई में हूं इतने साल से, यानी काफी साल हो चुके मैं सेवकाई में हूं, प्रभु के महान चमत्कारों का अनुभव किया है, लेकिन फिर भी शैतान आकर मुझसे कई बार ये कहता है, देखो ये खत्म हुआ। जानते हो, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हाँ इसे तुम किसी तरह से नहीं कर सकते, ये कैसे भी संभव नहीं हो सकता, इस तरह से कहता है। मैं हमेशा शैतान से कहता, शैतान मैं पानी पर चल रहा हूं। यदि मैं जहाज में हूं और तुम आकर कहो कि तुम्हारा जहाज डूब जाएगा, तो यह अलग है। मैं जहाज में नहीं हूं, मैं अपने जीवन में पहले ही चमत्कार के कदम उठाकर चल रहा हूं। तुम आकर नहीं बता सकते कि कुछ खतरनाक हो सकता है, नहीं नहीं, मैं पहले चमत्कार के कदम में चल रहा हूं। आमेन। आपके जीवन में परमेश्वर के चमत्कारों के बारे में सोचे, प्रभु ने क्या किया वो सोचे। आप चमत्कार के कदम उठा रहे हैं, विश्वास से चल रहे हैं, और शैतान अगर आपसे कहे, जानते हैं एक बार मैंने एक व्यापारी से कहा, जानते हैं उन्होंने बिल्कुल शून्य से शुरू किया, प्रभु पर विश्वास किया, अभी उनके पास कुछ है, कुछ हो रहा है, और शैतान अचानक उनमें डर लाने की कोशिश कर रहा है, वो वहां पर डर गए हैं कि ये सब कुछ वो खो देंगे। मैंने कहा शून्य से शुरू किया, उस समय आप डरे हुए नहीं थे, कुछ साल पहले कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी आप डरे हुए नहीं थे, आपने बहुत ही मेहनत की और इस बिजनेस को शुरू किया, बहुत ही छोटी सी शुरुआत की और तुमने ये काम शुरू किया, तब नहीं डरे थे, चमत्कार के बाद चमत्कार हुए, बहुत से चमत्कार हुए, बस कुछ ही साल में तुम करोड़ों का व्यापार करने लगी हो, तुम्हें अब क्या हो गया है? शैतान तुमसे ये कह रहा है कि अभी कुछ न कुछ गड़बड़ होगी, यानी यदि आपने इतने चमत्कारों का अनुभव किया है और सच में मानो आप पानी पर चल चुके हैं, अब किसके कारण डर रहे हैं? उसके शब्दों पर विश्वास करते हैं, अब शैतान के शब्दों पर विश्वास कर रहे हैं। देखिए, जब तक कि आप विश्वास में हैं, जब तक कि आप वचन को देखते जाते हैं, तो आप लहरों और हवा के ऊपर रहते। Rock of salvation that cannot be moved. He's proven himself to be faithful too. There is no rock, there is no God like God. Rock of ages, rock of ages. Jesus.
से सारा रात वे Rock of Ages. Rock of Ages. Jesus is our rock. Rock of Ages. Jesus is our rock. Rock of Ages. Jesus is our rock. There is no rock. There is no God like.